वहाँ आई तो द्रोणाचार्य ने देखा, ए तू कौन है? तो उन्होंने देखा कि मैं एकलव्य हूँ, यहाँ का भील हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे तो उतना नहीं ज्ञान है। फिर तू किसका शिष्य है? मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। और उन्होंने कहा मैं ही द्रोणाचार्य हूँ। तो मैं आप द्रोणाचार्य है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ही द्रोणाचार्य यहाँ बैठे हुए आप आकर देख सकते हैं। वहाँ देखिए तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई। अरे ये मूर्ति किसने बनाई और इसमें क्या हुआ? मुझे नहीं पता। एक ऋषि आए थे और उनने उनको सामने मैंने जब ये बात कही, आप बहुत बूढ़े दिखते हैं लेकिन मैंने द्रोणाचार्य को अच्छी तरह देखा है। तो उन्होंने कहा मैं वही द्रोणाचार्य हूँ। मैं एक भील के रूप में द्रोणाचार्य जी के पास गया था और उन्होंने मुझे हकाल दिया था। ये कहते हैं कि मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। तो उस ऋषि ने मुझे इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके कहा था कि तू इनके सामने विद्या सीख ले। और विद्या मैंने सीखी। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या द्रोणाचार्य मुझे दक्षिणा देकर मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि जरूर द्रोणाचार्य को यहाँ आना ही पड़ेगा और तुम्हें शिष्य स्वीकार करेंगे। अब ये देखकर तो द्रोणाचार्य भी प्रश्न में पड़ गए। अर्जुन द्रोणाचार्य का मुख ताकता रहा, द्रोणाचार्य अर्जुन का मुख ताकते रहे और ये प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति को देखते हुए रह गए। अब बोला ये तो अचरज की बात है। अर्जुन बोला तुमने धोखा दिया गुरु जी। अरे बोला मुझे नहीं मालूम रे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या? ये मूर्ति तो मेरी है। ये द्रोणाचार्य कहता है मैंने कभी इस मूर्ति को देखा नहीं, स्थापना नहीं की, ना मेरे को मालूम इसका नाम भी क्या है, पता नहीं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि तू जानता है कि तेरा द्रोणाचार्य का शिष्य है। अर्जुन के आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि इतनी बड़ी विद्या मुझे नहीं उन्होंने नहीं सिखाई, किस तरह हो? तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुझे ये विद्या कैसे सीखी, मैं मेरे गुरु के पास सिखाऊं? तो तू एक तेरे विद्या का एक बार एक प्रदर्शन तो करके बता, तेरे से भी अर्जुन श्रेष्ठ है। बोले कैसे? उन्होंने कहा कि ये सामने पेड़ है, मेरा अर्जुन उस पेड़ के एक बाण मारकर उसके सारे पत्ते गिरा देगा, तू कर सकता है क्या? बोले तुम्हारे अर्जुन को बोलो कि बाण मार कर पत्ते गिराए। अर्जुन ने बाण मारा, सारे पत्ते गिर गए। तो वो कहता है कि अभी आपको एक बात बताता हूँ मैं, उसी अर्जुन को बोलो कि जो ये पत्ते जो गिराए हैं फिर जाके चिपक जाए, ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं मेरे गुरु को देखकर कहता हूँ तुम्हें ये सारे पत्तों को मैं चिपका दूंगा। उन्होंने बाण मारा, सारे पत्ते जाकर चिपक गए। आप तो द्रोणाचार्य चकरा गए कि ये क्या, मैं मेरे तरफ से नाम मेरा लेता है, सब मेरा लेता है, जो विद्या मैंने सिखाई नहीं उस विद्या की बात करता है। तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य जी मैं आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, इतनी बात जरूर कहता हूँ। तो अर्जुन को भी लगा और द्रोणाचार्य को भी लगा कि विद्या कहाँ से सिखाई। उसने तब कहा कि संसार में एक बात तो मैंने देखा, इस बात की विद्याओं को सिखाने में बहुत ही श्रेष्ठता होनी चाहिए, ये विद्या किसके साथ सीखी है? तो मेरा कोई ऋषि आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो एक बात कहता हूँ, इस पत्ते के एक एक के पत्ते पर अगर मैं सही उसी द्रोणाचार्य का गुरु हूँ और उन्होंने उन्हें दिया है तो हर एक पत्ते पर मैं देखता हूँ कि मेरे गुरु का नाम आ जाए, मैं ऐसा बाण फेंकता हूँ। द्रोणाचार्य परेशान हो गए कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि हाँ तू करके बता, हर एक पत्ता तूने कहा है, हर एक पत्ता ये बात याद रख। और उन्होंने कहा हाँ हर एक पत्ते पर बता रहा हूँ। और उसने अपने गुरु का नाम बोलकर पेड़ पर बाण मारा तो देखते हैं कि हर एक पत्ते पर गुरु का नाम आ गया। तब द्रोणाचार्य एक बात फंसा कर रह गए और कहा कि आप देखता हूँ उन्होंने क्या किया था, एक पत्ता अपने पाँव के नीचे रखा कर दबा दिया था कि हर पत्ते को तू बोला मेरे पाँव के नीचे पत्ता दबा है, इसके ऊपर है क्या? जैसा ही द्रोणाचार्य पाँव निकालते उस पत्ते का भी नाम है। द्रोणाचार्य देख कर कहा कि ये विद्या मुझसे तो नहीं हुई, तूने ये विद्या कहाँ सीखी ये तो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु आपने मुझे धोखा दिया है। अब वो क्या रोज अर्जुन के साथ जाना रहता है, रोज पांडवों के साथ जाना रहता है, अगर मैं इसको धोखा दिया बोले तो मैं असल वहां रहना भी नहीं होता मेरा कुछ काम है, मैं तो अर्जुन के साथ सारा कार्य करना चाहता हूँ, या ऐसा हुआ तो कैसा होगा? अब अर्जुन को बोले मैं तो तेरे सामने ही तो देखा कि बोले ये विद्या मुझे नहीं आती, आपने इसको ये विद्या वो आपके नाम से सिखाया बोलता है। अब उनको कुछ हुआ ही नहीं, तो उन्होंने कहा तू सच बता कि तेरे गुरु द्रोणाचार्य है? तो उन्होंने कहा मैं तो द्रोणाचार्य को ही गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य मैं ही वही हूँ, अगर तू मेरा शिष्य है तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी, तूने विद्या सीखी है। तो कहा
एक बात कह दो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम जो कहे सर काट के देने के लिए तैयार हूँ। ये बात एक लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि अब अर्जुन को तृप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बाण की विद्या पूरे अंगूठे पर ही रहती है। और उन्होंने कहा मैं तुझे शिष्य मानता हूँ तो तुझे एक बात करनी होगी, तेरा राइट हैंड का अंगूठा कट कर देना होगा। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ अगर तुमने मुझे शिष्य स्वीकार किया है। उन्होंने कहा तू मेरा शिष्य है। तब एकलव्य ने अंगूठा कट कर दिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि परशुराम जी अगस्त्य को बता रहे थे, तुम्हारे सामने वो उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने मिट्टी के मूर्ति में द्रोणाचार्य की प्राण प्रतिष्ठा की थी और वो एक ऐसा शिष्य था जिसने एक कार्य किया। पहली बार किसी गुरु को प्राण प्रतिष्ठा करके मिट्टी में करते हुए मैंने कहा था कि आज भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो कि किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और किस तरह की मिट्टी में हम प्राण की स्थापना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा किस मिट्टी में होती है। अगस्त्य जी को भी ये मालूम था कि सचमुच ये तो बात है, एकलव्य को प्राण प्रतिष्ठा तो मिट्टी के विग्रह में हुई थी, द्रोणाचार्य रहने पर भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो कहा ये कल्पसूत्र में मैंने लिखा है कि हम यहाँ जो रहने वाले हैं उन तो देवताओं को तक तो नहीं जा सकते और देवताएं यहाँ तक नहीं आ सकते, तो यहाँ हम उनके लिए घर बांध देंगे। उनकी स्थापना किस पत्थर में हो, किस तरह के पत्थर में उनकी पूजा होती है और उनको आना ही होगा, उन देवताओं को जो चाहे किसी भी तरह हो मैं उनकी स्थापना करके तुम्हें बताऊंगा। महर्षि अगस्त्य उनके पास उस परशुराम कल्प सूत्र को उन्होंने देखते हुए कहा कि यह विद्या अगर हमारे पास है तो पहले अगर मूर्तियों की पूजा आरंभ हुई तो परशुराम जी के पहले यह विद्या नहीं के बराबर थी। कहीं भी आप वामन अवतार कुर्मा अवतार आदि में देख लो कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी हुई है, केवल परशुराम जी के आने के बाद राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति और उसके बाद उन्होंने स्वामी नरसिंह की मूर्ति एक करते हुए इसके पहले परशुराम जी के पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, केवल ऋग्वेद वेदों के साथ हवन होता था वेदों की मूर्ति, और वेदों में सिर्फ प्रकृति की पूजा है, मूर्तियों की पूजा वेदों में भी नहीं है। अगर आप देखना चाहें बाद में कुछ लोग ऐड कर दिए गए ये बात अलग है, लेकिन वेदों में पहले से लेकर आखिर तक प्रकृति, अग्नि, नदी, पेड़, पृथ्वी, जल, इस पंच महाभूतों की पूजा है जो प्रकृति की पूजा कहलाई जाती है। तो परशुराम जी के आने के बाद ही इन सारी चीज़ों का, इन प्रकृति की पूजाओं का, प्रकृति से पूजा से हटकर मूर्ति की स्थापना और मूर्तियों की पूजा का आरंभ हो गया। हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में यह पूजा परशुराम कल्प सूत्र के बाद बहुत सारे लोग हुए बाद में इस, अब आजकल तो आप देखते हैं वास्तु के लिए आपको हजारों पुस्तक मिल जाएंगी, जो जो अपने दिमाग से लिखते हुए वास्तु की पूजा कर रहा है, वास्तुओं की लिखता है। और जब मैंने गुरुजी भी कहा था तो आप अगर 1992, 93, 94 की पुस्तक दिखते हैं तो पहली बार मैंने गुरुजी से जब डिस्कशन में बात कही थी तो गुरुजी ने 32 श्लोक देते हुए कहा था जोशी ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं गुरुजी ने कहा अरे जोशी मैं तुझे क्या बताऊँ, बोले क्या हुआ गुरुजी, मेरा ये दिल्ली का आश्रम जो है दक्षिण मुखी है और तू कहता है कि दक्षिण में मुख नहीं आना चाहिए और मैं उतरता हूँ दक्षिण में चढ़ता हूँ उत्तर में, तो तू क्या कहता है मेरा आश्रम काम नहीं आता। गुरु तो सारे संसार में बड़े गुरुदेव, हमने देखा, मैंने देखा गुरुजी का पूरा आश्रम जो बंधा हुआ है, दिल्ली का आश्रम आप देखते हो तो वहाँ दक्षिण की तरफ उतरते हैं उत्तर की तरफ चढ़ते हैं और वो आश्रम में गुरु जी रहे, आज गुरु जी का नाम सारे संसार में देखते हैं। तब गुरु जी कहते हैं कि जो 32 श्लोक लिखे हुए जोशी उसमें एक वास्तु कृत्यंत्र, अब उसी वर्ष उसी महीने के मैगजीन में गुरु ने एक एटम देते हुए लिखा था वास्तु कला क्या है बला कहते हुए उन्होंने लिखा था, मुझे साक्षी हूँ। और गुरुजी ने वास्तु कृत्या यंत्र की स्थापना करते कहा जहाँ वास्तु दोष है वहाँ वास्तु कृत्या। मैंने फिर भी पूछा गुरुजी को गुरुजी वास्तु कृत्या कहते हैं आप इसका क्या मतलब है, अरे जोशी तुझे क्या बताऊँ, चाहे कितने ऋषि भी बैठे हुए हों, कितने देवता भी बैठे हुए हों, जब शिव जी के बाल से एक बार कृत्या निकली तो किसी को भी उसने नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में सबको स्वयं दक्ष प्रजापति का सर भी कट डाला, क्या उनको नहीं मालूम था किस मुहूर्त पे शिव जी का रुद्र दक्ष प्रजापति ने हवन आरंभ किया था। दक्ष प्रजापति तो मुहूर्त देखकर, ब्रह्मा जी से मुहूर्त पूछकर, सारे ऋषियों से, सप्त ऋषियों से, दधी जी और सभी ऋषियों को पूछकर उन्होंने हवन आरंभ किया था, लेकिन उस हवन का विध्वंस हुआ, सती ने अपना जीव छोड़ा, तो क्यों, क्या मुहूर्त में क्या गलती थी। तो कहा शिवजी ने कहते हैं जहाँ गलती हुई, जहाँ अन्याय हुआ वहाँ मैं कृत्या को भेजता हूँ, वो किसी को छोड़ता नहीं,
तो जोशी तुझे कहता हूँ, जिस घर में कोई भी अन्य किस भी तरह का वास्तु दोष हो और कोई वास्तु दोष सता रहा हो, वहाँ वस्तु कृत्या का कृत्या के यंत्र की स्थापना हो गई, उसमें वो दोष काम नहीं करता। जोशी ये मेरी बात है, और उन्हें पहली बार वास्तु कृत्या यंत्र की वास्तु कृत्या यंत्र की बात कही थी। जिस घर में वास्तु कृत्या यंत्र हो और उसकी नित्य पूजा होती हो,